तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर और आज की इस फर्स्ट क्लास और अनसॉल्व की क्लास पर। बेटा आज मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ इस अनसॉल्व पेपर को, और ये अनसॉल्व पेपर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसमें 50 सेट से भी अधिक मॉडिफाइड किए गए हैं सेट। अब देखिए कक्षा 10-12 के दोनों विद्यार्थियों के लिए आती है। श्रेष्ठ अंकों से अगर आपको पास होना है तो बेटा इस अनसॉल्व को नहीं लगाते हो तो 90-80+ जिसका सपना होता है कि वो 80+ नंबर गेन करेगा, 80+ या फिर 90+ तो कभी नहीं ला सकता। जो 95+ तक लाने के लिए सिर्फ एकमात्र यही चारा है अनसॉल्व पेपर। अगर आप अनसॉल्व पेपर पूरा हल कर लेते हो प्रैक्टिस पेपर, तो समझ लीजिए बेस्ट स्टडी है। इससे ज्यादा बेस्ट स्टडी हो ही नहीं सकती। तो बेटा हमने क्या है, सबसे पहले 2018 से उठाया है। कहां से उठाया है बेटा? 2018 से उठाया है। तो देखिए इसकी पीडीएफ आपको मिल सकती है, अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसकी पीडीएफ आपको पीडीएफ बना के नोटिस कर दूंगा, मतलब कि दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले हमें ये देखो क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी प्रकार का आपका फिजिक्स का पेपर होगा, इसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अब यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन दिए गए हैं, पीछे भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 2-3 पार्ट 4 पार्ट में जाएगा अपना आंसर पेपर और सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पहले से हल करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। किसका बेटा? वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई। क्या होता है बेटा? फाई ई। और फाई ई इक्वल टू आपके पास फार्मूला होता है ई डॉट डी ए। क्या होता है? ई डॉट डी ए। सपोज ये कह देता चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स अपनी ये नहीं होता यहाँ पे बी, तो फाई बी बराबर यहाँ पे हो जाता है बेटा बी और डॉट डी ए। तो अगर चुंबकीय फ्लक्स बोले तो ये वाला फार्मूला, और अगर वैद्युत फ्लक्स बोले तो ये वाला फार्मूला। इतनी बात समझ में आई? अब हमसे पूछा है बेटा मात्रक, क्या पूछा है? इसका मात्रक पूछा है। तो आइए बताता हूं इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक तो देखो इसका मात्रक आप जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर F अपान क्यू। इसका फार्मूला होता है E बराबर, तो इसका अगर मात्रक की बात करेंगे तो एक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, और एक फार्मूला आप जानते हैं बी अपान एल, तो एक मात्रक हो जाएगा इसका वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो अभी हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये डी ए क्या होता है? क्षेत्रफल और एरिया का, जो हमेशा इसे ए कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है, ई इंटू ए। तो एरिया का मात्रक हमेशा होता है मीटर स्क्वायर। एरिया का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे आपको न्यूटन कूलाम में दिया गया हो तो यहाँ पे आप देखो इसकी वैल्यू रखो वोल्ट पर मीटर। इसके इसका मात्रक ये होता है ना वोल्ट पर मीटर, इसको रखो वोल्ट पर मीटर, और इसके बाद ये क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से एक मीटर कटेगा और आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। तो अगर वोल्ट इंटू मीटर ऑप्शन में है तो टिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो देखिए इसके स्थान पर हम ये भी तो रख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो अगर ये दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम तो इसे सही कर दीजिए, लेकिन ये अपने ऑप्शन में है नहीं, ये अपने ऑप्शन में है। देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर पे दिया गया वोल्ट पर मीटर, तो यही अपना क्या होगा, सही आंसर होगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया बेटा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे पढ़ लीजिए। देखिए खा नंबर यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है यदि सेलों के संयोजन में, ये कह रहा है सेलों का कोई संयोजन है, 2 सेल हैं R1 R2 सेल हैं, इनको क्रमशः कुल आंतरिक तथा कुल बाह्य प्रतिरोधों तो सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में उपयोगी होता है। मतलब इसके कहने का बेटा ये है, आपने नाई की दुकान में देखा होगा, गए होंगे, बहुत सारे चमकीले शीशे लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? बहुत सारे चमकीले शीशे लगे रहते हैं। ठीक है, ये मैं अनसॉल्व पेपर भी आपके सामने ही रखता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है ना, अभी आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ तक क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है आपने नाई की दुकान में देखा होगा बहुत सारे आईने लगे रहते हैं, आपकी जो फोटो है, एक फोटो, दो फोटो, तीन फोटो, चार फोटो ऐसे आती है, तो इसमें जो आपकी पिक होती है ना सबसे ज़्यादा चमकदार बेटा दूसरी होती है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जब कभी भी श्रेणी क्रम में 2 सेल जुड़े हों, जब कभी भी लिखना चाहते हो पहला सेल R1 और दूसरा सेल R2, अगर ये सीरीज में जुड़े हो, कैसे जुड़े हो बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, और सेल के लिए, किसके लिए बेटा, सेल के लिए, तो हमेशा याद रखना जो R1 R2 का मान होता है वो बड़ा होता है R1 की अपेक्षा, यानी कि R1 इज लेस देन R2, यानी कि ये वाला बड़ा है R1 की अपेक्षा, ये वाले जहाँ कंडीशन है टिक कर दीजिए, ये कंडीशन है कहीं पर ये नहीं होगी, ये वाले R2 हमेशा R1 से बड़ा होता है। कैसा होता है? R2 हमेशा R1 से बड़ा होता है। अब देखो बेटा कह रहा है कि एक LCR परिपथ है, कोई ये ठीक है मान लिया LCR परिपथ है,
कह रहा है जिसे धारा स्रोत से जोड़ा गया है, ठीक है, हमने मान लिया धारा स्रोत से जोड़ा गया है, तो कह रहा है अनुनादी स्थिति में धारतीय प्रतिभाघात यानी कि एक्ससी घात, धारतीय प्रतिघात क्या होता है बेटा एक्ससी, और इसके बाद कह रहा है प्रेरकीय प्रतिघात यानी कि एक्सएल, एक्सएल में कलांतर होता है फाई, तो फाई आपने बेटा मैंने आपको बहुत पढ़ाया है टैन थीटा बराबर एक्सएल अपान में जो जो इसके फाई बराबर टैन इनवर्स करके निकालते थे, तो यह तो इसके बीच में बात करो या इसके बीच में बात करो बेटा जो कलांतर होता है 180 अंश, कितना होता है 180 अंश, तो कहीं पर अगर पाई या 180 अंश आंसर है तो ठीक कर दीजिए, याद रखना प्रेरकीय प्रतिघात या फिर भारतीय प्रतिघात एलसीआर परिपथ में उनका कलांतर पाई होता है यानी कि 180 होता है, तो यहाँ पे देखते हैं कहीं पे 180 है तो ये वाला पाई है यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फोटॉन का विराम द्रव्यमान, फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है, तो बेटा फोटॉन का जो विराम द्रव्यमान का फार्मूला होता है सीधा सीधा याद रखिएगा विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान का जो फार्मूला होता है एच अपान सी लेमडा, क्या होता है एच अपान सी लेमडा, तो ये कंडीशन अगर कहीं भी दी गई है एच अपान सी लेमडा तो वही कंडीशन सही है, तो यहाँ पे देखिए एच अपान सी लेमडा दिया गया है तो सही है। अब बेटा मैं एक बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए जो भी क्वेश्चन आप करिए, जो भी क्वेश्चन आप करिए उसको हमेशा हमेशा नोट करते रहिए, क्या करते रहिए बेटा नोट करते रहिए। देखिए जैसे मैंने इन क्वेश्चंस को करा दिया तो या तो आपके पास अनसॉल्व पेपर होना चाहिए, नहीं है तो इनको नोट करिए एक पेज में कायदे से, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, हमेशा याद रखिए हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, कितनी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी प्लस की, कहे कि प्लस की, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब कह रहा है बेटा कि चालन एवं संयोजी बैंड, ये आपने पढ़ा होगा संचार व्यवस्था एक चैप्टर है लास्ट में सबसे, उसका क्वेश्चन है ये, कह रहा है चालन और एवं संयोजी बैंड की ऊर्जाओं में अंतर, देखा पहले देखा गया है चालकों में, चालक में अधिकतम होता है, सबसे पहली बात बेटा जब चालन और संयोजी बैंड की बात करें और उनका ऊर्जाओं का अंतर पूछे तो हमेशा याद रखना चालकों में मिनिमम होता है, क्या होता है चालकों में मिनिमम, चालकों में कैसा होता है मिनिमम यानी कि चालकों में न्यूनतम होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए चालकों में अधिकतम होता है चालकों में न्यूनतम होता है, तो सेकंड नंबर चालकों में न्यूनतम होता है। तो अपने ऑप्शनल क्वेश्चन हमने कर लिए कितने 6 क्वेश्चन, ये अगर आपको आ रहे थे तो 6 नंबर आपके कंप्लीट थे, ठीक है बेटा। अब चलते हैं आगे, अब आगे कह रहा है विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, तो आपको पता होगा बेटा विभव प्रवणता इक्वल टू होता है माइनस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध होता है तो क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध होता है ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, क्या होता है वो डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स होता है, सॉरी डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, ये क्या होता है दूरी, एक्स क्या होती है दूरी और वी क्या होता है विभव, तो ये होती है विभव प्रवणता। तो अगर हमें विभव प्रवणता की डेफिनेशन अगर निकालनी है, सपोज यहाँ से मैं देखो दिखा रहा हूँ ये विभव है, हमने विभव के मान को रखा है 8, यहाँ पे सपोज करो विभव बराबर फार्मूला निकालो माइनस हटा दो तो डेल्टा वी बराबर क्या निकलेगा ई इंटू डेल्टा एक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब सपोज हमने ई की वैल्यू को 1 रखा, E की वैल्यू को 1 रखा, अब यहाँ पे देखो E की वैल्यू को हमने 1 रखा और दूरी का मान 2 ले लिया डेल्टा एक्स का, तो हमारे पास क्या आ गया विभव प्रवणता का मान 2 आ गया। अगर हमने वैद्युत इसका दूरी को हमने कोई नहीं दूरी में हमने परिवर्तन किया लेकिन इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं किया, दूरी का मान हमने 3 ले लिया तो विभव प्रवणता का मान कितना आ गया 6 आ गया। अगर मैंने इसको उसी प्रकार रखा इसका मान 4 ले लिया तो विभव प्रवणता का मान क्या आ गया 8 आ गया। यहाँ पे आपने क्या देखा कि दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन हो रहा है, मतलब अगर मैं दूरी का मान बदल दे रहा हूं तो विभव बदल जा रहा है, ये विभव है ना विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता की डेफिनेशन हो जाएगी कि दूरी के साथ साथ होने वाले विभव के परिवर्तन में विभव के परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। आप लोग नोट करिएगा दूरी के साथ साथ, मैं यहां पे लिख देता हूं दूरी के साथ साथ होने वाले विभव के परिवर्तन को विभव के
परिवर्तन। बच्चों अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो बस आपको डाउटनेट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा, चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, UP बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, एनी किसी भी बोर्ड का हो, या IIT JEE मेन एडवांस का हो, या 6th से लेकर 12th तक का हो, ठीक है। तो सभी डाउटनेट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनेट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे अगर आप इसे करना चाहते हो तो सर्च करना प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय बाय सक्सेस नॉलेज, ऐसे करके कर लेना। मेरा आपको वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो में मेरे वीडियो में सारा कुछ डिटेल बताया गया है, वहाँ से जाकर के आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आपके 30% सिलेबस में से हटा भी दिया गया है, तो आप लोग इसमें कोई दिक्कत मत समझिएगा, आप परेशान भी मत होइएगा, आराम से रहिए, कोई इशू नहीं है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे नहीं आएगा। और जो आएगा नहीं बेटा उसको बताने से कोई मतलब भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अपना आगे क्वेश्चन है, कह रहा है एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है, हमें V की वैल्यू दी गई है विभवांतर की कितनी, 500 वोल्ट, ठीक है 500 वोल्ट दी गई है विभवांतर की वैल्यू, और हमसे कह रहा है कि 500 वोल्ट ये त्वरित किया गया है, प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, हमको वेलोसिटी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, वेलोसिटी यानी कि वेग, वेग की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब बेटा मैं ये कह रहा है कि देखो विभवांतर से त्वरित किया गया है, जब कभी भी विभवांतर से कोई चीज़ त्वरित की जाती है और वो प्रोटॉन का वेग पूछ रहा है, किसका, प्रोटॉन का वेग पूछ रहा है, तो आप हमेशा याद रखिएगा एक फार्मूला होता है आपके पास, V into Q = यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है ½mv², इसे याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें ये क्या है, ये वेग है, इसमें ये क्या है, वेग है, और ये क्या है आपका, ये विभव है। क्या है बेटा, विभव, और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, किसका आवेश है बेटा, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो यहाँ से देखिए ये विभव की वैल्यू, वी का मान आपको निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा 2V into Q / m = v², बोलो आ जाएगा कि नहीं, ये m को हम लोग बटे में ले आए, इस 2 को इसके मल्टीपल में ले गए, अब इंटू में v², अब बस इनकी वैल्यू रख देनी है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, बस वही वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है और आंसर आ जाएगा। एक बात कमेंट करके सभी लोग बताइए कि इस क्वेश्चन को कौन कौन सा छात्र ऐसा है जो बिना बताए कर सकता है। देखिए एक नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए, आपकी परीक्षा में आने वाला है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही अगर इंपॉर्टेंस तुम हर क्वेश्चंस को देते हो, तभी वहाँ जा करके क्वेश्चंस को सही कर पाओगे, अन्यथा प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या है, आपको वैल्यू रखनी है। अब देखो पूछ क्या रहा है वो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश आपस में बराबर होता है तो 2, और इसकी वैल्यू दी गई है 500, कितनी दी गई है 500, और इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6×10⁻¹⁹। अब देखो बेटा जो अंसाल भालकर ने आया है वो थोड़ा सा क्या है ना, पिछला रिवीजन करके बैठा करो, ये अब मिलती जाती है जो नई चीजें उनको नोट करते जाओ, जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था मिला, इसे आप नोट करते जाओ कि जब भी कभी एक विभव दिया जाएगा और उसे त्वरित किया जाएगा विभवांतर से और उसका वेग पूछेगा, तो हमें ये फार्मूला लगाना है ऐसे करके, ठीक है। अब इसके बाद हमें दिया गया है इक्वल में v² / m का इसका जो मात्रक होता है, ये होता है, होता है 1.66×10⁻¹⁴, प्रोटॉन का मास यानी कि द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान याद रखिएगा, ये काहे की वैल्यू है, प्रोटॉन का द्रव्यमान की, ठीक है, प्रोटॉन का मास, मास ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब बस इसको कैलकुलेट करना है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, अपने पास बचेगा क्या, देखिए 10⁻¹⁴ है, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+¹⁴ हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 5×10, तो यानी कि 5×10 हो जाएगा ये, और ये 2 जीरो ऑलरेडी लगे हुए हैं, और इंटू में 10⁻¹⁹ है, इसके बाद इसे ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻¹⁴ हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 10³ लिख सकते हैं ना, इंटू 10⁻¹⁴ इंटू 10⁻¹⁹, तो अब देखो अपने पास क्या आ जाएगा
टेन की पावर 24 में 3 जोड़ देंगे तो 4 3 7 तो हो जाएगा 10 की पावर 17 इंटू 10 की पावर 17 नहीं सॉरी 27 और ये हो जाएगा 10 की पावर -19। अब इसमें जब घटा देंगे 10 की पावर -19 को, दोनों बेस, ये बेस है ये पावर है, ये बेस है ये पावर है, जब बेस आपस में मल्टीपल में होते हैं तो ऊपर की घातें हमेशा जुड़ जाएंगी या फिर घट जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 27 नंबर क्वेश्चन में, तो जब 27 में 19 घटाओगे तो अपने पास बचेगा 10 की पावर 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड वी स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए वी बराबर निकालना है, तो इसका इधर का जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो इधर लग जाता है रूट, तो ये पूरा रूट के अंदर बंद हो जाएगा 1 × 10 की पावर 8 ऐसे रूट के अंदर। अब जब रूट के अंदर बंद हो जाएगा तो वी बराबर हो जाएगा 1 × 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकेंड। बोलो बेटा समझ में यहाँ तक आया? जिसके समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में बताना, जिसके समझ में ना आया हो वो कमेंट बॉक्स में बताना, अनसॉल्व पेपर हल करना कैसा लग रहा है वो भी अपना कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब कह रहा है दूरदर्शी अभिदृश्यक, जो दूरदर्शी होता है उसमें अभिदृश्यक बड़े आकार का क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हम उसकी फोकस दूरी को बढ़ा के अधिक या कम कर सकें, या फिर अपनी जो लेंस है ना, जो लेंस बड़ा लगाते हैं अभिदृश्यक, जिससे हम लोग चित्र जो हमारे बनते हैं उनको साफ प्राप्त कर सकें, मतलब उसमें कोई झिलमिलाहट और ब्लरिंग ना हो, इसलिए लगाया जाता है। या फिर आप सीधे सीधे लिख सकते हैं दूरदर्शी में अभिदृश्यक बड़े इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम उनमें से जो प्रतिबिंब है वो एकदम मिच्योर यानी कि अच्छा प्रतिबिंब प्राप्त कर सके, ठीक है। इसको ये इसको लिख लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, एक नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, कह रहा है एक लेंस की क्षमता, एक लेंस की क्षमता दी गई है पी बराबर माइनस का 2 डायोप्टर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इसके फोकस पर रखी है प्रतिबिंब की स्थिति का किरण आरेख खींचिए, मतलब ये -2 डायोप्टर है, फोकस पर रखी हुई वस्तु है, तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति का किरण आरेख आपको खींचना है। कौन सा आरेख बेटा? किरण आरेख आपको खींचना है। देखो सबसे पहले एक आपको लेंस बना देना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक लेंस बना देते हैं, सपोज लेट करते हैं कि ये -2 डायोप्टर का लेंस है। कैसा है? -2 डायोप्टर का लेंस है। अब हमें क्या करना है, इसका किरण आरेख खींचना है, ठीक है। तो अब देखो जब ये -2 डायोप्टर का लेंस है तो हमें पता है कि हम जानते हैं एफ बराबर 100/P, ठीक है, वो भी गए में सेंटीमीटर में, तो अगर इससे निकालेंगे तो 50 सेंटीमीटर दूरी दिखेगी। तो यहाँ पे कोई वस्तु रखेंगे, अब ये वस्तु ऐसे फोकस करेगी, जब इसमें वस्तु फोकस करेगी बेटा तो यहाँ पे हमारी जो जो फोकस बिंदु होगा 50 सेंटीमीटर होगा, तो ये चित्र आपको मिल जाएगा, मैंने ऑप्टिक्स में पढ़ाया है बहुत कायदे से, आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि ऐसे करना है। अब देखो इसके लिए आपको जाना होगा, क्योंकि ये चित्र है, इसे अगर बनाने लग जाऊँगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेनली अपना टारगेट है कि हम लोग डेरिवेशन वगैरह को करें, और जो ऐसी चीज़ें हैं उनको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या इसका किरण आरेख मुझे खींच देना चाहिए, तो फिर मैं कल की क्लास में खींच दूंगा। अगर आप बता देंगे कि नहीं इसका किरण आरेख खींचना है तो खींच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे एक लेंस बना दिया, लेंस के बाद यहाँ पे कोई वस्तु है, इससे फोकसित करेंगे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये वस्तु है मान लो, कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति का, तो अब ये प्रतिबिंब है तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, तो बस यही, ये भी अगर आप बना के आ जाते हो ना तो भी आपका नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप ये भी नहीं बनाते तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको अगर और अच्छे से इनके बारे में अनुभव लेना चाहते हो तो आप YouTube पे सर्च करिएगा कि फोकस दूरी पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति का किरण आरेख बाय सक्सेस नॉलेज, मेरा वीडियो मिलेगा, अच्छे समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है स्थैतिक विद्युत में गॉस का नियम का उल्लेख कीजिए, स्थैतिक विद्युत में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए, इसकी सहायता से कूलाम के नियम का भी निगमन करना है आपको। तो सबसे पहली बात, नेक्स्ट पेज ऑन कर लेता हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना जाए। अब देखिए हमें गॉस की प्रमेय सिद्ध करनी है, ठीक है, सबसे पहली बात, उसके हिसाब से कूलाम के नियम का वर्णन भी करना है। तो आपको पता है गॉस की जो प्रमेय होती है किसी बंद पृष्ठ पर संभव होती है, तो हम लोग सबसे पहले एक यहाँ पे जो प्रकार रखे हैं इसे केंद्र बिंदु ओ लेट कर लेंगे, ओ बिंदु से यहाँ पे मानेंगे कि आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इसी पी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और यहाँ पे हम लोग एक ऐसे लेट कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और इसका जो क्षेत्रफल है वो डी ए वेक्टर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसे चाहो तो आप मिला सकते हो, तो थोड़ा सा चित्र क्या है आपका अट्रैक्टिव लगने लगेगा। इसके बाद ये बन गया हमारा चित्र, छोटा सा चित्र आप बना देंगे। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है, लिख देना माना ओ बिंदु से, माना कोई एक बंद पृष्ठ है जिस पर
ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। इस पर कौन सा आवेश रखा गया है? प्लस क्यू आवेश रखा गया है जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है तथा क्षेत्रफल डी ए वेक्टर है। बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी सी बात आपको लिख देनी है, इससे आगे कुछ नहीं लिखना। अगर आपको इससे बहुत ही डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो आप सर्च करिए यूट्यूब पर गॉस की प्रमेय बाई सक्सेस नॉलेज, लेकिन यहाँ कूलाम के नियम का उल्लेख करना है तो मैं कराता हूँ। देखिए सबसे पहला स्टेप है फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है। फिर इसके बाद हो जाएगा, अगर मैं इसका डाट हटाता हूँ तो हम लोग क्या जो जाता है? कास थीटा। तो इसका जब हम लोग डाट हटाएंगे तो क्या जुड़ेगा बेटा? कास थीटा जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, डाट हटाएंगे तो ई डॉट डी ए, तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। सबसे पहले करने का रूल यही होता है, गॉस की प्रमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले गॉस की प्रमेय सिद्ध कर लीजिए आप। तो यहाँ पे फाई ई बराबर आप जानते हैं ई डॉट डी ए होता है, मैंने अभी आगे बताया था। तो ई जब डाट हटाते हैं तो कास थीटा जुड़ जाता है, और इस थीटा बराबर हमेशा क्या आंसर एंगल रखते हैं? जीरो अंश। अब इसके बाद फाई ई बराबर होता है ई डॉट डी ए। अब इसका हम लोग क्या कर देते हैं? समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन जैसे ही करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा डी फाई, कर लेते हैं इसे डी फाई इक्वल टू, समाकलन करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा फाई ई बराबर ई इंटू ए। समाकलन करने पे क्या निकल के आएगा? फाई ई बराबर ई इंटू ए। तो फाई ई की वैल्यू क्या होती है बेटा? फाई ई हमें निकालना है तो इसको ऐसे ही रखो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप जानते हो, ई बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अब देखिए ए है, ए है मतलब क्षेत्रफल है, तो ये क्षेत्रफल किसका है? इस चित्र का है, डायग्राम का है। तो ये क्षेत्रफल कैसा दिख रहा है आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्षेत्रफल आपको कैसा दिख रहा है। क्षेत्रफल आपको गोलाकार दिख रहा है, तो गोले का क्षेत्रफल फोर पाई खत्म हो जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा और निकल के आ जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अगर इसी की सहायता से हमें प्रूव करना था गॉस की प्रमेय, तो आप जानते हैं ई बराबर होता है एक फार्मूला एफ अपान क्यू या क्यू नॉट। तो अब आपको क्या करना है? इसे इधर ले जाना है, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा? ई इंटू क्यू नॉट। अब देखिए ई की वैल्यू अभी अभी आपने क्या निकाला, देखा ई बराबर होता है वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और ये वाला जो क्यू है तो हो जाएगा क्यू नॉट। तो देखिए हमने गॉस की प्रमेय की भी सहायता कर, गॉस की प्रमेय भी प्रूव कर ली, और यहाँ के गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का भी कूलाम का नियम भी प्रूव कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे गॉस की थ्योरम इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम का आपको डायग्राम मैंने बताया था ना, गॉस की जो प्रमेय होती है हमेशा बंद सर्कल पर संभव होती है, यानी कि बंद पृष्ठ पर ही संभव होती है। गॉस की प्रमेय विदाउट बंद पृष्ठ पर संभव नहीं हो सकती, गांठ बांध लीजिए बात को, ठीक है। तो बात आ गई, सबसे पहले गॉस की प्रमेय या गॉस की प्रमेय से रिलेटेड आपको ये टॉपिक जरूर अपनाना है, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये सारे टॉपिक आपको अपनाने हैं यहां तक के हर डेरिवेशन में। इसके बाद जैसे ई की वैल्यू आपको निकालना है, तो यहां पे आप देखिए ई की वैल्यू सपोज निकालना होता तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख देते और इसके फाई की वैल्यू और ई रख लेते हैं, जो क्षेत्रफल आकार बन रहा होता वो ए का मान रख देते हैं, ई की वैल्यू निकल के आ जाती। तो ऐसे निकालते हैं बेटा, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको ये कूलाम का नियम कभी प्रयोग कर लिया। अब जैसे तुमको कभी आ जाए कि गॉस की प्रमेय की डेफिनेशन लिखिए, यानी कि गॉस की प्रमेय के परिभाषा दे, तो इसी से बन जाएगी। ये क्या है? टोटल आवेश है इस बंद फ्लक्स का, ये बंद फ्लक्स है और इसका टोटल आवेश है। तो आप बोल देंगे कि किसी बंद पृष्ठ के लिए उसका कुल नेट आवेश, उसका कुल नेट आवेश, उस कुल नेट आवेश वन अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये टोटल क्या है? कोई बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स में कुल आवेश वन अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू इंटू वन अपान एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो अब देखिए यहाँ पे फाई ई क्या है? वैद्युत फ्लक्स है, इसको लिख लीजिए फाई ई है आपका वैद्युत फ्लक्स। और इसके बाद ये क्यू क्यू क्या है? टोटल आवेश है, कुल आवेश है। तो यहाँ पे देखिए कुल आवेश है यानी कि टोटल आवेश है, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये मल्टीपल का मतलब होता है टाइम्स या गुना, ये गुना में है मतलब ये गुना है। तो आप बोल दोगे ये क्या है? वैद्युत फ्लक्स है, टोटल वैद्युत फ्लक्स है। किसका वैद्युत फ्लक्स है? इस बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स है। तो आप बोल दोगे किसी बंद पृष्ठ के लिए कुल किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उसके कुल आवेश का यानी कि टोटल आवेश का वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही क्या होती है?
गॉस की प्रमेय होती है, नीचे ये फार्मूला लिख के आ जाना, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए बेटा यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया आज की क्लास में, और अपनी क्लास थोड़ा सा लॉन्ग हो गई। कल यहाँ से आपने कहा कि बायो सेवर्ड का नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसकी सहायता से एल लंबाई और आई लंबाई के धारावाही चालक में एक्स दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आगे तैयार रहिएगा, इन सभी डेरिवेशंस को करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, आज हमने तीन नंबर पे कूद गए हैं हम लोग, तीन नंबर पे। देखिए इसका मैंने आपको बताया है ऐसे ही, तो अगर ये मत खींच ना पाना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको करके दिखा दूंगा कल की क्लास में। कल अभी इसका सेकंड पार्ट आएगा। देखिए एक अनसाल पेपर कम से कम चार पार्ट में जाएगा 25-25 मिनट के, तब जा करके 1.5 घंटे होंगे, और 1.5 घंटे में ही अपना सॉल्व हो जाएगा। आपको मिलते हैं वहाँ पर 3 घंटे। कितने घंटे मिलते हैं बेटा? 3 घंटे मिलते हैं। तो आप लोग अच्छे से करिएगा। कल से आप मुझे ये बताइए कि स्पीड और स्लो करनी है, मतलब मैं और स्पीड में पढ़ाऊँ अनसाल पेपर, या फिर और स्लोली डिटेल वाइज पढ़ाऊँ एक एक, ताकि आपके सब कुछ समझ में आए, एक एक नोट करवाऊँ। कमेंट बॉक्स में बताना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।